सो हेलो फ्रेंड्स, यार कैसे आप सभी लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल टीएच इलेक्ट्रॉनिक्स पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस एक चीज से जो है आप लोगों का बाइक का तीन प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकता है। तो पहला प्रॉब्लम की हम बात कर लेते हैं, अगर आप लोगों का बैटरी, जैसे कि मेरा हुआ है कि अगर आप लोग बैटरी खराब हो गया, रिप्लेसमेंट में दिया है, तो दो हफ्ते का, एक हफ्ते का टाइम मिलता है उसमें। तो उस दौरान आप लोग जो है इसका इंडिकेटर वगैरह कैसे करेंगे, मतलब इसका लाइट वगैरह हॉर्न कुछ भी नहीं चलेगा, तो उस टाइम ये आप लोगों के काम आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा, अगर आप लोगों का बैटरी लगा हुआ है बाइक में लेकिन फिर भी जो है आपका लाइट का, हेडलाइट का रोशनी कम है, हॉर्न कम है, तो उसमें भी ये काम आएगा। और अगर फ्रेंड्स आप लोगों को बाइक से आप लोगों ने परमानेंटली बैटरी हटा दिया है, ठीक है, तो उसमें भी ये काम आएगा। तो ये कैसे काम करेगा फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो अगर फ्रेंड्स आप लोगों की बाइक में बैटरी नहीं रहेगा या बैटरी डाउन रहेगा, तो अगर बैटरी नहीं रहा तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोगों का हेडलाइट जलेगा ही नहीं, हॉर्न चलेगा ही नहीं, ठीक है। कोई भी आप लोगों का इसमें इलेक्ट्रिक वाला काम अच्छे से करेगा नहीं बाइक, अगर बैटरी नहीं है बिल्कुल, तो ठीक है। और अगर आप लोगों बैटरी लगा हुआ है, बैटरी डाउन है, तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का बैटरी डाउन है तो उससे होगा ये कि आप लोगों का जो हेडलाइट है उसका रोशनी डाउन हो जाएगा, हॉर्न आप लोगों का अच्छे से चलेगा नहीं, जब आप थ्रॉटल डाउन करेंगे तो आप लोगों का हॉर्न भी एकदम डाउन होता चले जाएगा। तो ऐसा टाइप का कुछ प्रॉब्लम आता है, तो उसके फ्रेंड्स उसके लिए सिंपल सा सॉल्यूशन है ये कैपेसिटर। तो आप लोग फ्रेंड्स इसके लिए जो है काफी डाउट रहता है, बहुत सारे इसके ऊपर 4500 माइक्रोफेरेट का यूज करें कैपेसिटर, तो मैं आप लोगों का आज ये डाउट क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग जो है फ्रेंड्स कोई सा भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो आप लोग यूज कर सकते हैं, बस आप लोग ध्यान ये रखना है कि इसका जो वोल्टेज रहता है फ्रेंड्स ये मिनिमम 25 वोल्ट रहना चाहिए, 25, 35 या 64 आप कितना भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 25 वोल्ट हो और मैक्सिमम 64 या 100 वोल्ट हो तब तक ठीक है, उससे ज्यादा होगा तो काम करेगा, लेकिन फिर भी कुछ डिफेक्ट आ सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आप लोग 25 वोल्ट यूज करें या 35, एकदम परफेक्ट रहेगा, ठीक है। और बात करते हैं माइक्रोफेरेड की, जो कि इसका वैल्यू रहता है, तो मैं जो यूज कर रहा हूँ अभी 2200 माइक्रोफेरेड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ये रखा हुआ था, तो मैंने जो है सिंपली इसमें जो है हीट सिंक ट्यूब के मदद से एक वायर को कनेक्ट कर लिया, तो अभी मैं इसको यूज करूंगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं आप लोगों को कौन कौन सा यूज करना है। आप मिनिमम जो है 500 माइक्रोफेरेड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 500 से लेके आप लोग 1000 यूज कर सकते हैं, 2200 यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग जितना ज्यादा माइक्रोफेरेड बढ़ाएंगे उतना ज्यादा जो है आप लोगों का हॉर्न और हेडलाइट अच्छा होता चले जाएगा, ठीक है। और आप लोग जो है मिनिमम 500 काम चलाने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को अगर परमानेंटली सॉल्यूशन निकालना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग 4700 UF या उससे 4700 μF या उससे ज्यादा का यूज करें। अगर आप लोग 5000-10000 μF का यूज करते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा, वो करीब करीब एक बैटरी का ही काम कर देगा आप लोगों के लिए, बस वो सेल्फ नहीं लेगा लेकिन बहुत अच्छा आप लोगों का लाइट का फोकस वगैरह बना देगा, ठीक है। तो चलिए अभी इसको देख लेते हैं काम कैसे करना है इससे हमको। तो सिंपल जो है आप लोगों को वायर कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। नेगेटिव से हमने इस साइड कनेक्ट किया व्हाइट वाली पट्टी, और जो पॉजिटिव साइड था उधर ये हल्की सी रेड वाली पट्टी है, तो ये हल्की सी रेड वाली पट्टी का जो फ्रेंड्स एक वायर निकल रहा है अपना, इस वायर को हम करेंगे क्या, ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है इससे हमको अच्छे से कनेक्ट कर देना है। हीटर से जो पॉजिटिव वायर निकला है उसको हमको जो है सिंपली ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, और ये जो नेगेटिव वायर है उसको नेगेटिव वाले से कनेक्ट करना है, और उसको अच्छे से आप लोग टेपिंग वगैरह करके इसको रख सकते हैं, कहीं पे भी आप लोग इसको फिक्स कर दीजिए या ऐसी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और इससे जो है आप लोगों का हेडलाइट वगैरह आसानी से चलिए फ्रेंड्स अभी मैं जो है इसको अच्छे से लगा लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखा देता हूँ वीडियो। देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी आप लोग इसका जो है मैंने सिंपल सा कनेक्शन कर दिया, आप लोग कैसे भी टेप लगा के इसको कैसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों का बस इतना ही काम था, ये काम हो चुका है। और अभी हम देख लेते हैं कि गाड़ी का हॉर्न वगैरह वर्क कर रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चाबी को चालू भी करेंगे तो जैसे कि बैटरी में लाइट वगैरह थोड़ा बहुत जल जाता है, तो इसमें वो तो नहीं होगा, लेकिन आप जैसे ही गाड़ी को चालू करेंगे तो इससे होगा क्या फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एनर्जी आपका इंजन जनरेट करता है, ठीक है, उसको ये जो है कैपेसिटर अपने अंदर थोड़ा सा चार्ज स्टोर करके ये फिर से वापस उसको देने लगता है। इससे होगा ये कि जितना भी एनर्जी आपका इंजन जनरेट कर रहा है वो डायरेक्ट आपका जो है इलेक्ट्रिकल जितना भी इसमें कंपोनेंट लगा हुआ है आपका बाइक स्कूटी में उसमें डायरेक्ट पहुंचेगा, ठीक है। और बैटरी अगर लगा होता है फ्रेंड्स वो क्या करता है कि आपका चार्ज को खींचते जाता है। इस कंडीशन में होता यह है कि अगर आप लोगों का बाइक का बैटरी डाउन है तो वो जो है चार्ज खींचेगा, और अगर वो चार्ज खींचने लग गया तो आपका जो इलेक्ट्रिकल इसमें लाइट वगैरह लगा हुआ है उसका जो है रोशनी डाउन हो जाएगा, तो यही होगा फ्रेंड्स। ये कैपेसिटर जो है चार्ज खींचेगा नहीं, बस ये एक सर्किट को कंप्लीट करने का काम कर देता है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी मैं आप लोगों को इसको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ हॉर्न वगैरह। फ्रेंड्स अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, जैसे कि हम चाबी चालू करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ न्यूट्रल वगैरह किसी का लाइट जला नहीं है, लेकिन मैं अभी गाड़ी को स्टार्ट कर देता हूँ, फिर आप लोग देखेंगे वो जलने लग जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स चालू हो गया है, हॉर्न में आप लोगों को दिखा देता हूँ। फ्रेंड जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जैसे ही हम जो है इसका गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो सारा इलेक्ट्रिकल का जो भी लाइट वगैरह है सब वर्क करने लग जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, होप करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए, अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, और अगर आप लोगों को ऐसे बाइक या स्कूटी वगैरह से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।